साथियों नमस्कार। आज हम आपको आज सोनाली फार्म में स्पेशली कोई चीज़ दिखाने वाले हैं दोस्तों। जैसे हमने आज तक बड़े बड़े फार्म पे देखे हुए हैं निप्पल सिस्टम में पानी कैसे देते हैं। निप्पल सिस्टम साथियों हमने बहुत सारे कंपनी पे फोन लगाया है तो हमें कुछ ही निप्पल लगाना है और हमने कभी निप्पल सिस्टम पे काम नहीं किया है। तो निप्पल सिस्टम लगाने के लिए मैंने बहुत सारे कंपनी पे फ़ोन लगाया तो कंपनी का जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कंपनी पूरे फार्म की लंबाई चौड़ाई और कितने लाइन, जैसे लंबाई चौड़ाई बताते हैं तो उस हिसाब से कितने लाइन के इसमें कनेक्शन आना है उस हिसाब से वो अपना कोटेशन भेजते हैं। तो साथियों जैसे कोई छोटा किसान है और निप्पल सिस्टम करना है या ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम लगाना चाहता है तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है तो बड़ी बड़ी कंपनी के जो कोटेशन रहता है तो उस हिसाब से लोग कर नहीं पाते। और मार्केट में दोस्तों ये सारा सामान अवेलेबल रहता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से वीडियो पे बताऊंगा कि निप्पल सिस्टम अपने फार्म पर किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और देखिए साथियों यहाँ पर हम निप्पल सिस्टम का ये पर यहाँ पर है इंड पाइप और हमने लगाए हुए हैं, ये निप्पल सिस्टम लगा हुआ है और इसमें हम अभी इसका जो नीचे में लगने वाले कटोरी है वो लगाए नहीं हैं और हम एक दो जगह लगाए हैं साथियों। इसमें हमने कभी आज तक निप्पल सिस्टम पे काम नहीं किया है तो हमारी मुर्गी निप्पल सिस्टम में पानी पिएगी कि नहीं पिएगी ये हमें डाउट है। इस कारण से हमने पूरे कटोरी लगाए नहीं हैं और यहाँ पर दो कटोरी लगा कर रखे हैं। और साथियों अभी ये टंकी से कनेक्शन हुआ नहीं है, हम डायरेक्ट टुल्लू से करके लगा रहे हैं और इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें टेस्टिंग किए तो लगभग यहाँ पर की मुर्गियाँ हैं अभी ये हमारे निप्पल है इसमें से पानी पी रहे हैं। तो मुझे लगा अब ये हमारा निप्पल सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ लग जाएगा तो काम करना चालू हो जाएगा। साथियों यहाँ पर ये मुर्गी है निप्पल को नोच रही है और वहाँ पर मुर्गा भी है तो निप्पल को नोच रहे हैं। और यहाँ पर बता दें साथियों निप्पल का ये कटोरी नुमा एक है पानी का, इसको इससे तो पानी पी रहे हैं और ये मुर्गी निप्पल से पानी पी रही है। तो साथियों कोई भी छोटा फार्मर अगर निप्पल सिस्टम अगर लगवाना चाहता है तो आसानी से निप्पल सिस्टम करवा सकता है। निप्पल सिस्टम का सामान मार्केट में अवेलेबल रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि सामान कहाँ मिलेगा करके। तो इस टाइप से अगर सामान कहाँ मिलता है ये सब पता करके अपने फार्म पे अगर लगाना चाहे, जैसे का फार्म 100 फीट का फार्म है, 100 फीट लंबा है, 3 लाइन लगना है तो आप टेस्ट के लिए ओनली दो पाइप में इसको एक छोटा सा बाल्टी नुमा एक 30-35 लीटर का बाल्टी वगैरह होगा, टप वगैरह है तो उसमें से छेद करके या डीजल पकड़ने वाला कुछ बर्तन रहता है तो उस वाले सिस्टम में लगा के इसको टंकी से पानी वाला सिस्टम लगा के, या अपना बोर का पानी है टैंक का पानी है आता है उस सिस्टम को अगर लगा के करना चाहेंगे तो ये आसानी से इसको कर सकते हैं। साथियों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी अपना असेंबल खुद करना है करके बोलते हैं और वैसा कुछ नहीं है साथियों। इसको जैसे सोनाली मुर्गी के लिए कर रहे हैं तो हमारे जो पाइप की कनेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया रहना चाहिए। इसके ऊपर में मुर्गियाँ चढ़ते हैं तो लोड में नीचे झुके ना, इस प्रकार से मैनेज करके रखते हैं तो आसानी से रख सकते हैं। साथियों निप्पल सिस्टम का कारण समझ में आया, जैसे ये निप्पल है, निप्पल में पानी हल्का सा दिख रहा है तो मुर्गी जैसे पानी हल्का से दिखता है तो इसी कारण से मुर्गियां पानी आसानी से ले लेते हैं। निप्पल सिस्टम में कोई ख़ास नहीं है और शायद मेरे को लग रहा है कि मुर्गियां इसमें एक दिन पूरा अगर निप्पल सिस्टम चालू रहेगा तो आसानी से पानी पी लेंगे, इसमें कोई मुर्गी प्यासा रहेगा
ऐसा कुछ बात नहीं रहेगा। साथियों, ये हमारी सोनाली मुर्गी है, लेयर वाले। हम इसको गर्मी के दिन में पानी आसानी से मिल सके, इस टाइप से हम व्यवस्था करके निप्पल सिस्टम लगा रहे हैं। धन्यवाद किसान साथियों।